नमोनमा, एक बार आपका फिर से स्वागत है हमारे YouTube चैनल सिस्कत पॉइंट पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज हम करने वाले हैं पूर्वी के अष्टम श्लोक को। चलिए शुरू करते हैं। त्वाम आरुढ़म पवन पद्विम उद्गृहित अलकांतः प्रीक्षियन्ते पतिक वनितः प्रत्याश्वस्त्यः कसन्निधे विरह विधुराम त्वयि उपेशेत जायाम न स्याद अन्यो अपि अहम इव। ध्यान दीजिएगा, अन्यो अपि अहम इव जनो यह पराधीन वृत्ति। देखिए कहने का क्या तात्पर्य है, शब्द अर्थ पर ध्यान देते हैं। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है। यक्ष अपनी विरहा कुल जो प्रिया है उससे ना मिल सकने की विवशता को प्रकट करते हुए कह रहे हैं। और यक्ष क्या कह रहे हैं, पहले तो किससे कह रहे हैं, मेघ से कह रहे हैं। और क्या कह रहे हैं, ध्यान देते हैं। देखिए वो कह रहे हैं पवन पद्विम, पवन पद्विम अर्थात वायु मार्ग से, या आप कह सकते हैं वायु कहाँ पर होती है, आकाश में होती है, तो आकाश मार्ग से आरुणम, आरुणम अर्थात चलने वाले, त्वाम, त्वाम अर्थात तुमको, पथिक वनिता, पथिक वनिता से तात्पर्य है। देखिए प्रवास काल से जो लौटते हुए व्यक्ति हैं उनकी पत्नियां, विनीता अर्थात पत्नियां, कैसे जो प्रवास काल से लौटकर आने वाले व्यक्ति हैं उनकी पत्नियां, प्रत्यायात अर्थात विश्वास से, कैसा कि वही कैसा विश्वास है यहाँ पे कि उनके जो प्रिय हैं जो प्रवास काल पर गए हुए हैं वो वापस आ जाएंगे इस विश्वास से। आगे क्या कहा, आश्वस्त अर्थात, कहने का क्या तात्पर्य, आश्वासन पूर्वक उद्गृहित अलकांता, उद्गृहित अलकांता से तात्पर्य है अपनी अलकों के अग्रभाग को ऊपर की ओर किए हुए। आगे क्या कहा गया, प्रेक्षियंते, प्रेक्षियंते से क्या तात्पर्य है, देखेंगी, किसको देखेंगी, तुमको देखेंगी। आगे ध्यान देते हैं, त्वयि, त्वयि अर्थात तुम्हारे, सन्निधे, कहने का क्या तात्पर्य, क्योंकि मेघ के बारे में चल रहा है तो क्या कह रहे हैं, त्वयि सन्निधे अर्थात तुम्हारे उमड़ कर छा जाने के समय अर्थात आगम काल के समय। आगे क्या कहा गया, आगे कहा गया है अहम इव, अहम इव अर्थात मेरी भांति, यो जनः अर्थात जो व्यक्ति पराधीन वृत्ति, पराधीन दूसरों के अधीन, वृत्ति आजीविका वाला, दूसरों के अधीन आजीविका वाला, ना स्यात अर्थात नहीं है, का कौन, अन्यो, यहाँ पर है ये स्यात और फिर है अन्यो, अन्यो से तात्पर्य है दूसरा, विरह विधुराम अर्थात वियोग के कारण कृशकाय, कैसा कृशकाय, जायाम, जायाम से तात्पर्य है प्रिया की अर्थात अपनी प्रिया की, उपेशेत, उपेशेत अर्थात उपेक्षा करेगा। देखिए यहाँ पे जो यक्ष है वह मेघ से क्या कह रहा है, मेघ से कह रहे हैं कि वायु के मार्ग से आने वाले अर्थात जो वायु के मार्ग से आकाश मार्ग द्वारा विचरणशील है तुमको, तुमको कैसे, प्रवास काल से लुटते हुए जो व्यक्ति हैं उनकी पत्नियां विश्वास से आश्वस्त पूर्वक देखेंगी, कैसे देखेंगी, अपनी अलकों के अग्रभाग को ऊपर उठा करके तुमको देखेंगी, किस विश्वास से, कि हमारे प्रिय अब इस समय बारिश आ गई है अर्थात मेघ आ गए हैं, तो मेघ के आने पर क्या है, जो प्रवास काल पर गए हुए व्यक्ति हैं वो वापस आ जाएंगे, वर्षा के समय वापस आ जाएंगे, तो पत्नियां इसी विश्वास से देखेंगी कि उनके जो प्रिय हैं वो घर वापस आ जाएंगे, ऐसे वो उन्हें आश्वस्त होकर के अपनी अलकों के अग्रभाग को ऊपर उठा करके देखेंगी। आगे वो कह रहे हैं कि त्वयि सन्निधे, तुम्हारे आकाश में उमड़कर छा जाने पर, जब तुम छा जाओगे उस समय अहम इव केवल मेरे समान ही जो व्यक्ति हैं, कैसे व्यक्ति, जो पराधीन वृत्ति वाले हैं अर्थात दूसरों के अधीन होकर के अपनी जो आजीविका चलाते हैं। अब देखिए पराधीन क्यों कह रहे हैं वो, क्योंकि जो यक्ष है वो अधीन है किसके, कुबेर भगवान के, जो कुबेर हैं उन्होंने ही तो उन्हें श्राप दिया है कहाँ पर रहने के लिए, पर्वत पर एक वर्ष बिताने के लिए, किस पर्वत पर रहने के लिए बताया है, ये प्रथम श्लोक में आपको बताया गया था, आपको बताना है पर्वत का क्या नाम है, जिस पर्वत पर उन्हें श्राप मिला है कि उस पर्वत पर जाकर एक वर्ष बिताओ अपने प्रिया के वियोग में, उस पर्वत का नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
तो क्या है, अब हमें मेरे समान केवल जो पराधीन वृत्ति वाले व्यक्ति हैं वो ही अपनी जो प्रिया है, कैसी प्रिया, जो वियोग के कारण कृश शरीर वाली है, ऐसी प्रिया की उपेक्षेत, उपेक्षेत अर्थात उपेक्षा करेगा, अन्यथा कोई भी व्यक्ति उपेक्षा नहीं करेगा। कैसी प्रिया, जो वियोग के कारण कैसी है, क्रश शरीर वाली है प्रिया, ऐसी प्रिया की केवल जो मेरे समान व्यक्ति हैं, जो दूसरों के अधीन आजीविका चलाने वाले व्यक्ति हैं, वो ही उपेक्षा करेंगे। ऐसा किसने कहा है, यक्ष ने कहा है। और किससे कहा है, वेरी गुड, मेघ से कहा है। और जब आप प्रसंग लिखेंगे इसका तो आपको ध्यान रखना है कि प्रसंग में आपको बताना है कि जो यक्ष है वह अपनी विरह आकुल प्रिया से ना मिलने के, ना मिल सकने की विवशता को प्रकट करते हुए किससे, मेघ से ये बात कह रहे हैं। उम्मीद करते हैं यह जो श्लोक है आपको अच्छे से समझ में आएगा। यदि कोई भी समस्या हुई हो तो आप हमसे कहाँ पर पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आपका दिन शुभ हो, हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।